गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर थर्ड, ड्रेनेज। हियर वी आर टुडे स्टडी अबाउट द पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला रिवर आर दोज रिवर्स दैट आर ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। दीज रिवर्स आर कॉल्ड पेनिनसुला रिवर। यानी कि जो हमारी पेनिनसुला रिवर है उनके बारे में यहां पर हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। द फर्स्ट रिवर इज द नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन यानी कि नर्मदा रिवर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। नर्मदा नदी किन किन एरियाज को ड्रेन करती है, दैट इज कॉल्ड नर्मदा बेसिन। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला जो पॉइंट आता है नर्मदा रिवर के बारे में, राइज अमरकंटक हिल्स इन एमपी। जो मध्य प्रदेश है, एमपी की जो अमरकंटक हिल है वहां से राइज होती है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल इन एमपी। मध्य प्रदेश से रिवर से जो वो राइज होती है अमरकंटक हिल से राइज होती है। इट फ्लो टुवर्ड वेस्ट। और सबसे इंपोर्टेंट बात ये है इस रिवर की, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है ये। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शोर्स एंड मोस्ट ऑफ द ज्वाइन द माउंटेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। कहते हैं कि ज्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं नर्मदा रिवर्स की, वो ज्यादातर छोटी रिवर्स है। एंड मोस्ट ऑफ द ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। और ज्यादातर जो छोटी रिवर्स है ये कहां ज्वाइन करती है मेन स्ट्रीम्स में, एट राइट एंगल। यानी कि जो रिवर्स है रिवर्स की राइट एंगल में आकर ये सारी की सारी मोस्टली रिवर है, जो छोटी छोटी रिवर्स है ये एक तरह से नर्मदा नदी के साथ मिल जाती है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट दिस रिवर। एंड वन इंपोर्टेंट थिंग इज नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ, यानी कि जो नर्मदा बेसिन है वो किन किन पार्ट को कवर करता है, एमपी गुजरात। एमपी एंड गुजरात देर आर मेनली स्टेट दैट वर ड्रेन बाय द नर्मदा रिवर। एमपी एंड गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि दो स्टेट हैं जिनको हम कंप्लीट कह सकते हैं कि नर्मदा बेसिन को कवर करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट नर्मदा रिवर। राइज कहां से होती है, अमरकंटक हिल इन एमपी। इट फ्लो टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ ये बहती है। ओल्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शोर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन मेन स्ट्रीम ऑफ एट राइट एंगल। यानी कि जो राइट एंगल है, राइट एंगल में आकर ज्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज है सहायक नदियां वो छोटी हैं और वो ज्वाइन हो जाती है। द सेकेंड रिवर इज द तापी बेसिन। इट राइजेज इन, यानी कि जो तापी रिवर है वो कहां से राइज होती है, सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी से ही होती है। देखिए एमपी का बहुत बड़ा नाम आ रहा है यहाँ पर, एमपी से ही। तापी जो रिवर है हमारी, जो पेनिनसुला रिवर है, पेनिनसुला रिवर में सेकंड जो रिवर मानी जाती है वो ताप्ती रिवर है। ताप्ती रिवर कहां से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। यानी कि एमपी का जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। इट बेसिन कवर पार्ट ऑफ एमपी महाराष्ट्र एंड गुजरात। इट कवर पार्ट एमपी महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी कि इसका जो बेसिन है वो किन किन पार्ट को, किन किन स्टेट को कवर करता है। द फर्स्ट इज एमपी, द सेकेंड इज महाराष्ट्र, द थर्ड इज गुजरात। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेम्बर अबाउट दी तापी बेसिन कवर थ्री स्टेट्स, एमपी महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओरिजिनेट कहां से हो रही है, कहां से राइज हो रही है, सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से आ रही है ये। द थर्ड रिवर इज द महानदी बेसिन, यानी कि महानदी रिवर कहां कहां पर, कौन कौन सी रिवर को ड्रेन करती है, कहां से राइज होती है। इट राइज इन हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। कहते हैं कि ये जो रिवर है हमारी छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से राइज होती है। इट फ्लो थ्रू ओडिशा, यानी कि उड़ीसा से बहती हुई कहां चली जाती है, फॉल इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी कि जो हमारी रिवर है सेकंड महानदी है वो एक तरह से हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से राइज होती है। इट फ्लो थ्रू ओडिशा फॉल इन टू बे ऑफ बंगाल, और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। अगर हम लेंथ की बात करें, 860 किलोमीटर लेंथ, 860 किलोमीटर लंबी है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस रिवर, 860 किलोमीटर। इट बेसिन कवर, इसका जो बेसिन है वो कवर करता है महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को कवर करता है। इसमें हम लोग दो स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं। जो महानदी रिवर है कहां से राइज होती है, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से, फ्लो करती हुई उड़ीसा से कहां जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लेंथ की बात करें 860 किलोमीटर, और किन किन बेसिन कहां, किन किन स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द महानदी रिवर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, झारखंड एंड उड़ीसा को भी कवर करता है। इसमें हम चार स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं, झारखंड एंड उड़ीसा, झारखंड एंड उड़ीसा आल्सो कवर बाय द महानदी बेसिन। द नेक्स्ट इज द गोदावरी बेसिन। जो अगला है वो है हमारा गोदावरी बेसिन के बारे में, यानी कि गोदावरी रिवर के बारे में।
इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर, सबसे लंबी जो पेनिनसुला रिवर्स की अगर हम बात करें, पेनिनसुला रिवर में सबसे बड़ी रिवर जिसको माना जाता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भी जो पेनिनसुला रिवर्स आपने यहाँ पर छह रिवर्स की स्टडी की, तो उसमें सबसे लंबी जो रिवर्स है कौन सी है, गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर है। इट ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल, कहते हैं कि ये रिवर बहती हुई कहां जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ज्यादातर जो रिवर्स आप देख रहे हैं एमपी से निकल रही है, अब ज्यादातर ये कहां जाकर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। एक बेसिन इज, एक इंटरेस्टिंग बात है, सबसे लंबी नदी भी यही है और जो बेसिन है इसका वो भी सबसे लार्जेस्ट है, कौन सी रिवर्स में, पेनिनसुला रिवर में। जो पेनिनसुला रिवर है, द पॉइंट इज इट बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुला रिवर्स बेसिन, कहते हैं जो पेनिनसुला रिवर के बेसिन है उसमें सबसे लंबा जो बेसिन अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो ऑफ द गोदावरी रिवर्स। इट इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, कहते हैं जिसे हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं। अगर हम लेंथ की बात करते हैं, इट इज कंप्लीटली 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लंबी, सबसे लंबी रिवर है और इसकी लेंथ के कारण से और इसके ड्रेनेज बेसिन के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस। दिस क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन मेनी टाइम्स इन यूपीएससी एग्जाम और मेनी बोर्ड्स एग्जाम। विच रिवर इज नोन एज द नेम ऑफ दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर। अगर बात आती है तो लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर। सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर, यू मस्ट हैव टू बी राइट डाउन दीज नोट्स इन योर फेयर नोटबुक। एंड द नेक्स्ट कंटेंट इज द कृष्णा रिवर, दैट इज द फिफ्थ रिवर ऑफ द पेनिनसुला राइज। कहां से होती है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से राइज होती है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कृष्णा रिवर इज राइज फ्रॉम महाबलेश्वर, इट फ्लो 1400 किलोमीटर एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, 1400 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ये भी। इट ड्रेन बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और ये तीन स्टेट्स हैं जिनको ड्रेन करती है ये, इसका जो बेसिन है वो तीन स्टेट्स में बना हुआ है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस रिवर का जो 50% बेसिन है वो कहां पर है, अकेला महाराष्ट्र में। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दिस। 50% अकेला जो बेसिन बनता है वो महाराष्ट्र में बनता है कृष्णा रिवर का। कहां से राइज होती है, महाबलेश्वर से, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। लेंथ कितनी है, 1400 किलोमीटर। हमने यहां पर सबसे गोदावरी की बात की तो 1500, यहां पे 1400, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द कृष्णा रिवर। एंड द लास्ट इज द सिक्स्थ रिवर इज कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर्स। कावेरी रिवर कहां से राइज होती है, इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, ब्रह्मगिरी जो रेंज है वेस्टर्न घाट की, वहां से राइज होती है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं, 760 किलोमीटर लेंथ, 760 किलोमीटर लंबी है और इसका जो बेसिन बनता है वो थ्री स्टेट्स में बनता है, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट कावेरी बेसिन और कावेरी रिवर। दैट इज ऑल ऑफ दिस आर बिलोंग टू द पेनिनसुला रिवर, दैट आर द मोस्ट पेनिनसुला रिवर ऑफ इंडिया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल ब्रीफली अबाउट ऑल दीज रिवर्स। द नर्मदा बेसिन, नर्मदा रिवर का जो बेसिन है राइज अमरकंटक हिल से होती है, एमपी में पश्चिम की तरफ बहती है, ओल्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, नर्मदा की ज्यादातर जो सहायक नदियां वो छोटी हैं और उसके बाद वो एक तरह से राइट एंगल में जाकर इसमें मिल जाती हैं। द सेकंड इज तापी बेसिन, कहां से राइज होती है, सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से राइज होती है। बेसिन कवर किन किन स्टेट्स को करता है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके बाद तीसरी रिवर है हमारी महानदी, इट राइजेस इन हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से यानी कि जो हाईलैंड है वहां से राइज होती है। इट फ्लो थ्रो उड़ीसा फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा से बहती बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेंथ की बात करें 860 किलोमीटर। इट बेसिन कवर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ये चार स्टेट्स को कवर करती है, महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड एंड उड़ीसा। द नेक्स्ट रिवर इज द गोदावरी बेसिन, गोदावरी रिवर यानी कि इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर, 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट ड्रेन इनटू बे बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिलती है ये। इट बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द पेनिनसुला रिवर, पेनिनसुला रिवर में सबसे बड़ा बेसिन भी इसी रिवर का है। जनरली अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर। द नेक्स्ट इज द कृष्णा रिवर, द कृष्णा रिवर बेसिन राइज नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से राइज होती है। इट फ्लो 1400 किलोमीटर एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, 1400 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इट ड्रेन बेसिन कहां कहां ड्रेन करती है, महाराष्ट्र, 50% एरिया महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। दैट इज द फिफ्थ रिवर। द सिक्स्थ रिवर इज कावेरी रिवर, कावेरी रिवर बेसिन।
राइज कहां से होती है? ब्रह्मगिरी रेंज से, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. लेंथ है 760 किलोमीटर और जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज जो स्टेट्स है, देर आर मेनी थ्री स्टेट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर ऑल ऑफ दिस स्टेट. दिस स्टेट नेम इज कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु. दीज आर दी पेनिनसुला रिवर दैट हैव टू बी फ्लो थ्रू आउट दी